हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 27 जनवरी 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम जाते हैं और देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में यहाँ पे ट्यूसडे के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ट्यूसडे के दिन स्टॉक में हमें 6.37% का यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 98.50 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंट रहने वाला है या फिर कोई नेगेटिव मोमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका थर्सडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक पे बनता है जरूर जी आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे ट्यूसडे के क्लोजिंग के बेसिस पे थर्सडे को स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है जरूर जी हमारा एक ओपिनियन देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं आने वाले दिनों में स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, वॉल्यूम यहाँ पे एवरेज से ज्यादा हमें वॉल्यूम देखने मिल रहा है और यहाँ पे कैंडल जो बनी है वो यहाँ पे एक मैं कहूँ तो मीडियम टू लार्ज साइज यहाँ पे कैंडल हमें बनती हुई देखने मिली है जो बहुत ही बढ़िया अच्छा यहाँ पे अपसाइड भी मूवमेंट दी है अपना 20 EMA का सपोर्ट लेते हुए। बात करोगे मैं RSI की, RSI 66-67 के आसपास जो जरूर आ चुका है जो हमें यहाँ से जो थोड़ा सा डाउन साइड का एक इशारा देता है। लेकिन याद रखे RSI हो या फिर कोर इंडिकेटर हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कई और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी हमें जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें। तब बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करंटली आने वाले दिनों के लिए हमारा ओपिनियन अभी भी इस स्टॉक में जो है वो पॉजिटिव है। मतलब स्टॉक जो हमें इजीली 105 तक आपको जाते हुए देखने मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे उसके बाद थोड़ा सा आपको डाउन साइड देखने मिल जाएगा लेकिन अभी भी स्टॉक में ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपसाइड के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन वो देखने मिल जाएगा लेकिन यहाँ पे कोई भी घबराने की बात नहीं है। अपसाइड मोमेंट अभी भी इस स्टॉक में जो है वो बरकरार रहने वाली है। बाकी यहाँ पे आपका क्या ओपिनियन बनता है स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे फोर वीडियोस मतलब 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में, वहां पे देखते हैं थर्सडे के दिन स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे फिलहाल आप देख सकते हैं 1 आवर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया और यहाँ पे सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन सारे के सारे जो है वो मार्क्ड है। तो यहाँ पे हमें कोई भी मार्किंग्स करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम बात करते हैं इसके क्लोजिंग की। 98.50 के आसपास जो यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पे आता है 98.20 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो 99.50 का यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन जो है वो बनता है। तो याद रखें डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए जो यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अब बात रही यहाँ पे मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो यहाँ पे आने वाले दिनों के लिए हमने वन डे के चार्ट में ऑलरेडी बात करके रखी है जो यहाँ पे पॉजिटिव की है। लेकिन यहाँ पे हमारा थर्सडे के लिए जो है मैं आपको ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे थर्सडे के लिए क्या बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 96.45 का, उसके बाद क्या आता है 94.55 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद अगला रेजिस्टेंस आता है 100.75 का, उसके बाद क्या 102.95 का। तो 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस जोन जो है वो मैंने बता दिए हैं, जरूर जो है उसी को कंसिडर में रखते हुए यहाँ पे आप थर्सडे के अंदर अपना ट्रेड ले। अब बात करें यहाँ पे मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन इस स्टॉक में ट्यूसडे के क्लोजिंग के बेसिस पे थर्सडे के लिए कहूँ जरूर यहाँ पे एक नेगेटिव का बनता है। यहाँ पे स्टॉक जो है हमें इजिली 2-3% यहाँ पे डाउन जाते हुए देखने मिल सकता है। यहाँ पे हमें जो है सबसे पहले तो प्री ओपन मार्केट में किस तरह से स्टॉक जो परफॉर्म करा वो देखना है। अगर 98.20 के नीचे यहाँ पे 9 बजे से 9:15 के बीच में अगर यहाँ पे स्टॉक जो है गिरा तो यहाँ पे और आपको डाउन साइड जाते हुए देखने मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे ट्यूसडे के केस पे, यहाँ पे ट्यूसडे के क्लोजिंग के बेसिस पे अगर मैं कहूँ थर्सडे के लिए, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे क्लोजिंग 96.45.92
98.20 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर और वॉल्यूम जो है बढ़ा तो और डाउन साइड जा सकता है। लेकिन हमें जो है जरूर थोड़ा सा जो यहाँ पे ध्यान में जो है थर्सडे की एक्सपायरी को भी रखते हुए जो यहाँ पे लेना है, और उसी के बेसिस पे यहाँ पे अपना जो है कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए जो ट्रेड करना है। तो यहाँ पे आपका क्या ओपिनियन बनता है स्टॉक में थर्सडे को, यहाँ पे ट्यूसडे के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।